वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एमएससी प्रीवियस बॉटनी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। ये जो पेपर है, ये पेपर वन सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का पेपर है। एंड यहाँ पर जो भी मैंने पेपर बनाया है वो क्वेश्चंस मुझे इम्पोर्टेंट लगे हैं आपके एग्जामिनेशन 2023 के लिए एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। करीब सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बच्चों वो सेम होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज अपने सिलेबस को डिजाइन करती हैं नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपके लिए एक थोड़ी बेनिफिशियल होगा, आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करके जाइए। एंड साथ ही बच्चों, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने 2 मार्क्स के लिए अटैम्प्ट करना होता है, उसका मैं यहाँ पर बच्चों आपको आंसर भी बताऊंगी। इससे आपको पता लगेगा कि हमें 2 मार्क्स के लिए अपने आंसर्स को कैसे लिखना है, अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर वन सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, इसके लिए टाइम है 3 आवर्स का और मैक्सिमम 100 मार्क्स के लिए ये आपका पेपर होता है। पेपर में बच्चों आपके साथ में इंस्ट्रक्शंस लिखे आते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ईच थ्योरी पेपर विल हैव 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन नंबर 1 विल बी कंपल्सरी। मीन्स आपको जो पेपर मिलता है उसमें 9 क्वेश्चंस होते हैं, 9 में से 5 क्वेश्चंस बच्चों आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपल्सरी होता है। The question number 1 will carry 20 marks and will be of short type of questions with the limit of 20 words. Means question number 1 में 20 marks के लिए questions दिए होते हैं, इसको attempt करना जरूरी होता है। Short type के questions, short types के इसमें आपको answer लिखने होते हैं और answer की जो limit दे रखी है, word limit 20 marks के लिए दे रखी है। Means 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं, नियरली सभी पेपर्स में 10 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स के लिए होते हैं एंड 20 मार्क्स का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस ये भी 20 मार्क्स के लिए होंगे। तो इस तरह से 80 मार्क्स का हो जाएगा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स का होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का। नो सप्लीमेंट्री आंसर बुक विल बी गिवन, आपको कोई सप्लीमेंट्री नहीं मिलती, जो कॉपी आपको मिल गई उसी कॉपी में आपको अपने सभी आंसर्स करने हैं। तो ऑल दी पार्ट ऑफ वन क्वेश्चन शुड बी आंसर्ड एट वन प्लेस इन दी आंसर बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे लोग इस चीज को नहीं समझते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही आपके 10 क्वेश्चंस है, ए बी सी डी करके आते हैं, 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसा कर दिए, फिर कुछ कहीं और कर दिए, है ना, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स दे रखे होते हैं, आपको 2 या 3 शॉर्ट नोट्स करने होते हैं। तो एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन 2 है, इसका शॉर्ट नोट एक जगह कर दिया, देन क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दिया, 4 कर दिया, 4 का कोई शॉर्ट नोट कर दिया, फिर 2 का शॉर्ट नोट कर दिया, तो आप इस तरह से नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन में अगर पार्ट्स दे रखे हैं तो सभी उसके जो आंसर्स हैं वो आप एक ही जगह पर करेंगे, मींस एक साथ ही करेंगे, ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं पूरे 1 to 10 वो आपके एक साथ में होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कोई 2 शॉर्ट नोट है, तो ए एंड बी करके आप इन दोनों शॉर्ट नोट्स के आंसर जो है एक साथ ही लिखेंगे, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इनिशिएटर कोडोन, नेम द अमीनो एसिड इट कोड्स, ठीक है। यहां पर आपको इनिशिएटर कोडोन को डिफाइन करना है और बताना है ये किस अमीनो एसिड को कोड करता है। सो द कोडोन ए यू जी दैट बिगिंस द प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड इनिशिएटर कोडोन, ये हमारी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब हमें बताना है किसको कोडोन करता है। सो इन यूकैरियोट इट कोड्स फॉर मिथियोनिन, इन प्रोकैरियोट इट कोड्स फॉर एन फॉर्माइल मिथियोनिन, ठीक है, दोनों का हो गया। हालांकि हमसे नहीं पूछा हुआ लेकिन हमें यहाँ पे दोनों का ही लिखना है। लेस फ्रिक्वेंटली जी यू जी इज इनिशिएटर कोडोन एंड इट कोड्स फॉर वैलिन, तो ये हमारा एक प्रॉपर आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉनसेंस कोडोन्स, नॉनसेंस कोडोन्स क्या होते हैं, मेंशन एनी 2 ऑफ देम, किन्हीं 2 के नाम लिखने हमको। स्टॉप कोडोन्स आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडोन्स, जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं उनको हम नॉनसेंस कोडोन्स कहते हैं, क्योंकि ये दे डू नॉट कोड फॉर एन अमीनो एसिड एंड इंस्टेड सिग्नल द टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, ये किसी अमीनो एसिड के लिए कोई कोड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसके टर्मिनेशन के सिग्नल देते हैं, तो इसलिए हम इनको नॉनसेंस कोडोन्स कहते हैं। अमंग 64 कोडोन्स 3 कोडोन्स हैं जो कि नॉनसेंस हैं, 2 के नाम लिखने थे आपको, यू ए ए, यू ए जी
एंड UGA, तो आप इन तीन में से किन्हीं भी दो के आप नाम लिख देंगे। तो ये हमारे नॉनसेंस कोडोन्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व्ड एंजाइम्स के हमको नाम लिखने हैं, तो यहाँ पर हमें केवल नाम ही लिखने हैं बच्चों। एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन आर हेलिकेज, SSB, टोपो आइसोमिरेज जिसे डीएनए गायरेज भी कहते हैं, प्राइमेज और आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जिसे हम रेप्लिकेज भी कहते हैं, एंड डीएनए लाइगेज। ठीक है, ये हमारे डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व्ड एंजाइम्स हैं। हमसे नाम पूछे, हम 2 मार्क्स के लिए सिर्फ नाम को यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आ गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, तो हमें डिफरेंसेस लिखने हैं लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स, जो कि रेप्लिकेशन में हमारा बनता है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रैंड जो कि कॉन्टिन्यूसली बनते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे। ये जो होते हैं रेप्लिकेट होते हैं डिसकंटिन्यूसली। ठीक है, तो आप बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करिए एंड पॉइंट्स में इनको आप यहाँ पर लिख दें। ओपन अप इन दी 3-5 डायरेक्शन, ओपन इन दी 5-3 डायरेक्शन, grows in the 5-3 direction, grows in the 3-5 direction, single primer is needed, यहाँ पर सिंगल प्राइमरी चाहिए, एक ही बार प्राइमर काम आता है। यहाँ पर जो है छोटे छोटे स्ट्रेच बनते हैं जिनको हम ओकाजा की फ्रेगमेंट कहते हैं, तो हर बार एक नया प्राइमर लगता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने requires new primer to start each ओकाजा की फ्रेगमेंट्स, तो ओकाजा की फ्रेगमेंट्स का भी हमने यहाँ पर दे दिया। और इस तरह से बहुत ही शॉर्ट में हमने ये भी लिख दिया कि हमको नए प्राइमर की एवरी स्टेप पर जरूरत होती है। नॉट रिक्वायर लाइगेज, लाइगेज की जरूरत नहीं होती, रिक्वायर लाइगेज टू लाइगेट ओकाजा की फ्रेगमेंट्स। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हो गए इन बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, न्यूमरेट 5 यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, 5 डीएनए पॉलीमरेज के हमें नाम लिखने हैं, यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। तो अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, बीटा डीएनए पॉलीमरेज, गामा डीएनए पॉलीमरेज, डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज एंड इप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज, ये हमारे 5 डीएनए पॉलीमरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। एबीसी ट्रांसपोर्टर्स क्या है, कि एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स, इसी को हम एबीसी ट्रांसपोर्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हमने पहले फुल नेम दे दिया, आर ए क्लास ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स दैट आर यूज्ड बाय बोथ प्रो एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर की क्लास एक ग्रुप होता है एबीसी ट्रांसपोर्टर, जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है। तो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स आर सुपर फैमिली ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन दैट यूज एटीपी हाइड्रोलाइसिस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन में, न्यूट्रिएंट अपटेक में, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड पैथोजेनेसिस। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने बहुत ही शॉर्ट लाइंस में एबीसी ट्रांसपोर्टर को समझा दिया और साथ ही इसका फंक्शन लिख दिया है कि ये कहाँ कहाँ पर एबीसी ट्रांसपोर्टर काम आते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में एबीसी ट्रांसपोर्टर्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड लिस्ट ऑफ फ्यू जीन्स एनकोडेड बाय द क्लोरोप्लास्ट डीएनए। क्लोरोप्लास्ट डीएनए के द्वारा कोडेड कुछ जीन्स के हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं। आंसर हमारा 16S आरआरएनए, HTATPase, 23S आरआरएनए, NADH हाइड्रोजिनेस, RUBP कार्बोक्सिलेज एंड 5S आरआरएनए। ये कुछ जीन्स हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट डीएनए के द्वारा कोडेड होते हैं, सो यहाँ पर सिर्फ आपको उनके नाम ही लिखने थे। नेक्स्ट है, राइट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन SOS रिपेयर ऑफ डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। SOS रिपेयर के ऊपर बच्चों लास्ट 4-5 ईयर से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है किसी न किसी फॉर्म में डीएनए डैमेज एंड रिपेयर के ऊपर। सो इसमें आपसे मैंने क्वेश्चन दिया है आपको कि SOS रिपेयर के आपने स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा स्टेप हो जाएगा, हम डायरेक्ट स्टेप लिखेंगे क्योंकि हमारा शॉर्ट आंसर टाइप्स का ये क्वेश्चन है। एक्टिवेशन एंड बाइंडिंग ऑफ रेक प्रोटीन टू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड फॉर्म्स फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द डीएनए। सेकेंड स्टेप, इंट्रैक्शन ऑफ लेक्स रिप्रेसर एंड रेक, कन्वर्जन ऑफ रेक इनटू रेक प्रोटीएस, प्रोटियोलाइसिस ऑफ लेक्स रिप्रेसर प्रोटीन एंड एक्टिवेशन ऑफ इंड्यूसर प्रोटीन दैट रिपेयर द डीएनए डैमेज।
ठीक है। इन स्टेप्स में SOS रिपेयरिंग होती है। सबसे पहले जो रैक ए प्रोटीन होता है ये डैमेज्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ में आकर ये इंटरैक्ट कर जाता है, और जब इंटरैक्ट करता है ना तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इस इंटरैक्शन से क्या होता है, अब लेग से रिप्रेसर आता है और वो इंटरैक्शन करता है लेग से रिप्रेसर रैक ए के साथ में। इस इंटरैक्शन के रिजल्टेंट जो रैक ए होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रैक ए प्रोटीएज में एंड प्रोटियोलिसिस होता है। देन इसके बाद में इंड्यूसर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है जो कि डीएनए डैमेज जो होता है हमारा उसका जो डैमेज सीक्वेंस है उसकी रिपेयरिंग कर देता है। सो इन स्टेप्स में SOS रिपेयरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GIST। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ GIST लिख कर दे दिया है तो इसका मतलब है कि बहुत शॉर्ट में आपने बताना है GIST क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म आपने लिखनी है। समटाइम बच्चों ये होता है कि आपको इसके आगे लिख कर दिया होता है राइट फुल फॉर्म, जैसे फिश लिख कर दे दिया है ना, ISH लिख कर दे दिया, इसके आगे लिखा होगा राइट फुल फॉर्म तो आपको सिर्फ फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, अभी मैंने जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है GIST लिख कर दे दिया है, इसका मतलब है कि आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है और थोड़ा सा इसके बारे में बहुत शॉर्ट में बताना भी है। तो GIST क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। इट इज़ ए रेयर कैंसर अफेक्टिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और नियर बाय स्ट्रक्चर्स विद इन एब्डोमन। इट इज अ सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर, सार्कोमा टाइप का कैंसर है दैट ग्रोज फ्रॉम सेल्स ऑफ द बॉडीज कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यूज लाइक बोन कार्टिलेज टेंडर्स फैट मसल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में हमने GIST के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। 2 मार्क्स के लिए हमारा क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना आंसर लिख दिया। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ NPC, ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ NPC पूछी है तो यहाँ पर पहले हमने लिखा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोप्लास्ट एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसमें पोर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। ठीक है, जिसके थ्रू मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सेपरेट एलिमेंट्स दैट इज स्कैफोल्ड सेंट्रल हब और ट्रांसपोर्टर शॉर्ट थिक फिलामेंट्स एंड बास्केट। तो यहाँ पर हमने बहुत शॉर्ट में देना था तो बता दिया कि इसका फंक्शन क्या होता है, फुल फॉर्म यहाँ पर आ गई है और साथ ही बता दिया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स बना किसका होता है ना, इसके जो कॉम्प्लेक्स में 4 मेनली एलिमेंट्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती है स्कैफोल्ड हब और ट्रांसपोर्टर शॉर्ट थिक फिलामेंट्स एंड बास्केट लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए कि शॉर्ट आंसर आपको इस तरह से देने होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर एस्पेंसिन्स, एस्पेंसिन्स क्या होते हैं, एस्पेंसिन्स आर क्लास ऑफ सेल वॉल प्रोटीन्स, ये सेल वॉल में मिलने वाले प्रोटीन्स हैं विच मीडिएट सेल वॉल लूजनिंग और एक्सपेंशन ऑफ सेल वॉल विदाउट एनी चेंज इन सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका रोल क्या होता है वो हमने बता दिया कि एक्सपेंसिन जो होते हैं सेल वॉल के प्रोटीन्स हैं जिनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये बिना सेल वॉल स्ट्रक्चर में चेंज लाए सेल वॉल की लूजनिंग करते हैं या सेल वॉल को एक्सपेंड करते हैं, उनमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, एक्सपेंसिन कैन बी ऑफ 2 टाइप, इसके टाइप्स भी हमने बता दिए, अल्फा एक्सपेंसिन एंड बीटा एक्सपेंसिन। तो इस तरह से हमने 2 मार्क्स के लिए अपने 20 वर्ड्स लिमिट में अपने आंसर्स को लिख दिया, जिसमें एक्सपेंसिन होता क्या है, प्रोटीन्स है, कहाँ मिलता है ये भी आ गया, इसका फंक्शन भी आ गया एंड इसके टाइप्स भी आ गए। तो इस तरह से बच्चों आप अपने क्वेश्चंस को आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस तो आपने डिफाइन करना है। एपोप्टोसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, इट इज यूज ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट टू एलिमिनेट अनवॉन्टेड सेल्स एंड ऑल्सो प्ले अ रोल इन प्रिवेंटिंग कैंसर। ठीक है, तो एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ का प्रोसेस है जो कि डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में ये प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है जो हमारी अनवांटेड सेल्स होती हैं उनका एलिमिनेशन होता है, जैसे फिंगर्स के बीच में जो गैप है ये क्या है, एपोप्टोसिस के कारण है। ठीक है, अगर हमारे फिंगर्स के बीच में गैप नहीं होता, एपोप्टोसिस नहीं होता तो हमारी फिंगर्स क्या है, जुड़ी हुई होती है ना, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर एपोप्टोसिस ना हो, प्रिवेंटेड हो जाए, सो इट लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसके कारण क्या होगा, सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा एंड द सबसीक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर, और इससे ट्यूमर में ये जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है ये ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्रिवेंटेड एपोप्टोसिस या एपोप्टोसिस करने वाले जीन्स में अगर म्यूटेशन हो जाए
तो इट कैन लीड टू कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल साइकिल इनहिबिटर्स, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। सेल साइकिल इनहिबिटर्स के बारे में आपसे पूछा गया है। सेल साइकिल इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे इनहिबिटर जो कि स्लो और स्टॉप करेंगे सेल साइकिल प्रोग्रेशन को थ्रू वेरियस मैकेनिजम्स नोन एज सेल साइकिल इनहिबिटर्स। दीज इनहिबिटर्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन से इनहिबिटर्स रखे गए? फर्स्ट है P53 which blocks the activity of CDK2, a class of inhibitor blocking specifically the CDK4, ठीक है, example है INK4 family के inhibitors, ये CDK4 है, CDK6 है, इनको inhibit करते हैं। थर्ड है एन इनहिबिटर मीडिएटिंग TGF बीटा इनहिबिटरी इफेक्ट्स। सो ये सेल साइकिल इनहिबिटर्स हैं जो कि सेल साइकिल को स्टॉप करेंगे या स्लो कर देंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ P53 इन कैंसर। कैंसर में P53 का क्या रोल है, ये हमसे पूछा गया है। सो पहले हम बताएंगे कि नॉर्मली इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। इन नॉर्मल सेल्स में क्या होता है, द P53 हैव थ्री मेजर फंक्शंस, ग्रोथ अरेस्ट, DNA रिपेयर एंड एपोप्टोसिस, ठीक है। नॉर्मल सेल में होगा म्यूटेशन और एनी डिफेक्ट इन P53, अगर किसी भी कारण से P53 में कोई डिफेक्ट हो जाए, इसके जीन में म्यूटेशन हो जाए, सो इट मे लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ठीक है। ये इसके कारण फिर क्या होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा विच लीड टू कैंसर, जिसके कारण कैंसर हो जाएगा। तो इस तरह से P53 का कैंसर में हमने रोल बता दिया कि म्यूटेटेड P53 और डिफेक्टेड P53 कैन लीड टू कैंसर बिकॉज इट लीड टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इसके कारण अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है एंड अल्टीमेटली फिर कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नेम द फोर टाइप्स ऑफ कोटेड वेसिकल्स एंड देयर सब यूनिट ऑफ कोट। यहाँ पर आपसे फोर टाइप्स के कोटेड वेसिकल्स के नाम पूछे और इनकी सब यूनिट बतानी, कोटिंग की जो सब यूनिट होती है वो आपको बतानी है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी ऐसे टेबल बना के लिख सकते हैं। एक तरफ लिख दिया टाइप्स ऑफ कोटेड वेसिकल्स और दूसरी तरफ लिख दिया सब यूनिट ऑफ कोट। फर्स्ट है AP1 क्लैथरीन, इसकी यूनिट है क्लैथरीन AP1 एडप्टर। सेकंड AP2 क्लैथरीन, सब यूनिट होगी क्लैथरीन AP2 एडप्टर। COP1 कोट कोटामर एंड COP2 एंड COP2 प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कोटिंग वेसिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कास्पेसेस। कास्पेसेस क्या होते हैं? कास्पेसेस आर ए फैमिली ऑफ प्रोटीएज एंजाइम्स नेम्ड कास्पेसेस ड्यू टू देयर सिस्टीन प्रोटीएज एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इन सेल डेथ मीडिएटेड बाय एपोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस एंड ऑटोफेजी। तो यहाँ पर हमने बहुत शॉर्ट में देखो बच्चों बता दिया कि ये प्रोटीएज एंजाइम्स फैमिली का मेंबर होता है और इसका जो नेम है कास्पेसेस वो हमने रखा है सिस्टीन प्रोटीएज एक्टिविटी के कारण, और ये किसमें इन्वॉल्व होता है, सेल डेथ मीडिएटेड बाय एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, नेक्रोप्टोसिस एंड पायरोप्टोसिस। नॉन एपोप्टोटिक रोल इसका देखो तो वो भी यहाँ पर लिख दिया है। नॉन एपोप्टोटिक रोल ऑफ कास्पेसेस इंक्लूड प्रोलिफरेशन, ट्यूमर सप्रेशन, डिफरेंशिएशन, न्यूरल डेवलपमेंट एंड एजिंग। तो यहाँ पर हमने बहुत शॉर्ट में कास्पेसेस के बारे में से पूछा क्या था और हमने उसका आंसर लिख दिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज अ सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू पैकेज, लेबल एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स इंक्लूड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, गॉल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स, एंडोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? जो हमारा सेल होता है उसमें जो कंपार्टमेंट्स हैं जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, लेबलिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट करना। तो यहाँ पर इस फंक्शन के लिए कौन कौन से जो है सेल ऑर्गेनेल्स या मेम्ब्रेन सिस्टम इन्वॉल्व होती हैं, वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम्स, वेसिकल्स, एंडोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब मिलकर हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बनाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस क्या, इसके बारे में बताना है। सेल जंक्शंस आर स्पेशलाइज्ड मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट प्रोवाइड कनेक्शन और अडेजन बिटवीन नेबरिंग सेल्स और बिटवीन अ सेल एंड द ECM एक्स्ट्रा सेलुलर
मैट्रिक्स एंड कैन बी ऑफ द फॉलोइंग थ्री फंक्शनल टाइप्स। इसके हमने फंक्शनल टाइप भी दे दिए एंड सेल जंक्शंस क्या है इसको भी हमने बता दिया कि स्पेशलाइज्ड मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि कनेक्शन करता है दो सेल्स के बीच में या सेल एंड ईसीएम के बीच में। ठीक है, फंक्शनल टाइप से इसके फर्स्ट जैसे ऑक्लूडिंग जंक्शंस, एंकरिंग जंक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग जंक्शंस, तो इसके हमने टाइप्स भी यहाँ पर लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके बारे में हमको बताना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर नैरो होलो ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल फ्रॉम मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोस्केलेटन्स कंपोज्ड ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट्स असेंबल्ड इन टू लीनियर प्रोटोफिलामेंट्स, दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर हमने बहुत शॉर्ट में माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड इसके रोल के बारे में बता दिया। ठीक है, माइक्रोट्यूबल्स क्या होती है, नैरो होलो ट्यूबलाइज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि साइटोस्केलेटन का मेजर कंपोनेंट्स बनाती हैं और किसकी बनी होती हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन्स की बनी होती है जो कि लीनियरली असेंबल्ड होते हैं ये प्रोटीन्स और असेंबल्ड होकर प्रोटोफिलामेंट्स बनाते हैं। ठीक है, इनका जो मेन फंक्शन होता है सेल को शेप देना, सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में माइक्रोट्यूबुल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा आर नैरो पोर्स और चैनल्स दैट एक्ट एज ए इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस टू फैसिलिटेट कॉम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ठीक है, दो प्लांट सेल्स के बीच में मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मटेरियल्स के कॉम्युनिकेशन के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होते हैं उनको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। जस्ट लाइक इस तरह से हमारे दो प्लांट सेल है तो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस ये प्लाज्मोडेस्मेटा होती हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है कि इसके कारण दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है, सो दे फॉर्म अ प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्टिनम कॉल्ड सिम्प्लास्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है। कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं ये ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। देखो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होता है, जब लिपिड्स के साथ में कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं और जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ में अटैच होता है तो उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड हेल्प इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी में और इसके साथ ही ये मेन कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं एंड मटेरियल मॉलिक्यूल्स इनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएडीएच क्यू रिडक्टेज, इसके बारे में हमें बताना है। एनएडीएच क्यू रिडक्टेज इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आल्सो नोन एज एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जिसको हम एनएडीएच डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं एंड दिस कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनएडीएच। ये कॉम्प्लेक्स एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एंड पासेस द इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन पास करेगा जो कि यूबिक्विनोन होता है विच हैज ए हाई रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोफोरिन्स एंड देयर रोल। राइबोफोरिन्स और इसके रोल के बारे में हमें लिखना है। राइबोफोरिन्स जो होता है पहले हम ये लिख लेंगे, राइबोफोरिन्स आर ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द RER। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में राइबोफोरिन्स मिलते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देखो एक लाइन के अंदर इसकी पोजिशन भी बता दिए और ये भी बता दिया राइबोफोरिन्स होते क्या है। ठीक है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स के राइबोफोरिन होते हैं, राइबोफोरिन वन एंड राइबोफोरिन सेकेंड एंड दे प्ले की रोल इन द बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम्स टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज इन द को ट्रांसलेशनल प्रोसेस दैट डिपेंड ऑन दिस इंटरेक्शन। तो यहाँ पर हमने इसका रोल दे दिया है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम की बाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और इस इंटरेक्शन के कारण ही जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, को ट्रांसलेशन होता है, वो इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड होता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्लाइऑक्सिसोम्स के बारे में बताना है. ग्लाइऑक्सिसोम्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ पेरोक्सिसोम्स इन विच ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल टेक्स प्लेस. ठीक है, ग्लाइऑक्सिसोम्स क्या है? स्पेशल टाइप के पेरोक्सिसोम्स है जिसमें कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है. ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में क्या होता है कि जो हमारे स्टोर्ड फैटी एसिड है, लिपिड है, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, सो ग्लाइऑक्सिसोम्स में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करेंगे स्टोर्ड फैटी एसिड और लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट RS प्रोटीन और RAS प्रोटीन. इट इज अ मोनोमेरिक GTP बाइंडिंग प्रोटीन दैट फंक्शंस इन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एंड इज एक्टिवेटेड बाय लिगेंड बाइंडिंग टू रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज एंड अदर सेल सरफेस रिसेप्टर. तो यहाँ पर RS प्रोटीन RAS प्रोटीन के बारे में हमने बता दिया कि मोनोमेरिक GTP बाइंडिंग प्रोटीन होता है जिसका जो फंक्शन है, जो इसका रोल होता है, वो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे में होता है. ठीक है, वॉट आर रिसेप्टर एंड इट्स टाइप्स. रिसेप्टर्स क्या है और इसके टाइप्स हमें लिखने, मीन्स इनके नाम लिखने. सो एनी प्रोटीन दैट बाइंड्स अ स्पेसिफिक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट इज लिगेंड एंड द इनिशिएट्स अ सेलुलर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिसेप्टर. ठीक है, ऐसे कोई भी प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन पर बाइंड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या कोई लिगेंड से ये जब बाइंड हो जाते हैं तो सेल रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर. रिसेप्टर के 3 मेजर ग्रुप्स हैं, रिसेप्टर काइनेज, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स एंड आयन चैनल्स रिसेप्टर्स. तो यहाँ पर हमने उसके नाम लिख दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड मैसेंजर, इसके बारे में बताना है. इट इज एन इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हूज कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस रिस्पॉन्स टू बाइंडिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड टू अ सेल सरफेस रिसेप्टर. एग्जाम्पल है साइक्लिक AMP, कैल्शियम प्लस 2, डाई एसाइल ग्लिसरॉल DAG जिसे कहते हैं, आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और IP3. ठीक है, सेकेंड मैसेंजर क्या होते हैं? कुछ ऐसे इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कंसेंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाती है तो ये सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ में एक्स्ट्रा सेलुलर लिगेंड जो सेल के बाहर ECM में होते हैं उन लिगेंड की बाइंडिंग को स्टिमुलेट कर देते हैं. ठीक है, इनके कारण सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ में लिगेंड की बाइंडिंग इंड्यूस हो जाती है, तो वो होते हैं हमारे सेकेंड मैसेंजर. एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर साइक्लिक AMP, कैल्शियम प्लस 2, IP3 है, DAG है, ये सेकेंड मैसेंजर के जैसे एक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सिग्नल ट्रांसडक्शन. सिग्नल ट्रांसडक्शन को हमने डिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है. कन्वर्जन ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम वन फिजिकल और केमिकल फॉर्म इनटू अनदर इज सिग्नल ट्रांसडक्शन. ठीक है, क्या होता है? किसी एक फिजिकल या केमिकल फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में. ठीक है, फिजिकल है तो केमिकल, केमिकल है तो फिजिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं. ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन होता है इसको ही हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं. इट इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस इनिशिएटेड बाय बाइंडिंग ऑफ एन एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल टू अ रिसेप्टर एंड कल्मिनेटिंग इन वन और मोर स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्सेज. ठीक है, तो ये सिग्नल ट्रांसडक्शन होता कैसे है? ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल या कोई हमारा मॉलिक्यूल होता है या लिगेंड होता है, जब वो रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है तो इसके बाइंडिंग होने के कारण अब सिग्नल का ट्रांसडक्शन होता है जिससे कि कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होता है, दैट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन. और सेल टू सेल कम्युनिकेशन इस सिग्नल ट्रांसडक्शन के रिजल्ट होता है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी. कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी की हमें प्रिंसिपल लिखना है. आपसे फिश का प्रिंसिपल भी जैसे पूछा जाए तो आप बहुत ही प्रिसाइज वर्ड्स में प्रिंसिपल को दोगे. ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता, बेसिक उसका प्रिंसिपल क्या है जिसके पीछे वो टेक्निक काम कर रही है. ठीक है, उसको हमने लिखना होता है. सो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके पूरे सेल में से मान लो हमें किसी एक स्पेशल स्ट्रक्चर को ही हमने देखना है तो हम कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी का यूज करेंगे. इसमें सिर्फ जिस स्ट्रक्चर की हमने स्टडी करनी होती है, जिस पार्ट की स्टडी करनी होती है, उसी पर हमारा जो है फोकस होता है.
है ना, वहीं पर लाइट इल्यूमिनेट होती है। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी इज दैट द इल्यूमिनेशन एंड डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिक्स आर फोकस्ड ऑन द सेम डिफ्रेक्शन लिमिटेड स्पॉट विच इज मूव्ड ओवर द सैंपल टू बिल्ड द कंप्लीट इमेज ऑन डिटेक्टर। इस प्रिंसिपल के ऊपर कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी जो है वो काम करती है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने यूनिट वाइज दिए है, यूनिट फर्स्ट से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों आपको यहाँ पर चॉइसेस दे रखी होती है, ठीक है, समटाइम्स यूनिट वाइज होता है, सेक्शन वाइज होता है, और समटाइम्स यूनिट नहीं दे रखा होता पेपर में, है ना। लेकिन आप ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन के बीच में अगर चॉइस है तो आपको उन्हीं में से ऑप्ट करना। जैसे क्वेश्चन वन तो आपका कंपल्सरी हो गया, ठीक है, क्वेश्चन टू एंड क्वेश्चन थ्री, यहाँ पर दोनों के बीच में अगर चॉइस है तो आपको इन्हीं दो में से ऑप्ट करना है। देन क्वेश्चन फोर एंड क्वेश्चन फाइव है, और इन दोनों के बीच में और लगा हुआ है अथवा लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन फोर या फाइव में से ही एक क्वेश्चन को चूज करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन सिक्स क्वेश्चन सेवन के बीच में चॉइस होती है, एंड क्वेश्चन नंबर एट एंड क्वेश्चन नंबर नाइन के बीच में चॉइस होती है। मींस एनी फोर नहीं समझ लेना है आपको, है ना, एनी फोर का ऑप्शन नहीं होता है। आपको जो चॉइसेस दे रखी गिवन उन्हीं में से अपने चार क्वेश्चन को ऑप्ट करना है। आप एक क्वेश्चन ये कर लो, एक क्वेश्चन ये कर लो, इन दोनों में से चॉइस करके एक ये कर लो, एट और नाइन में से कोई एक क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिया, तो इस तरह से आपके टोटल फोर क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे रखे यूनिट वाइज वो देख लेते हैं। क्वेश्चन वन में है राइट शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है प्लाज्मोडेस्माटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं शॉर्ट नोट के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा यूनिट वन में रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी दिया जा सकता है, डिस्कस हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से भी क्वेश्चन टू पूछा जा सकता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन पूछा गया है, एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो फंक्शन पूछा गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन, सो रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यूनिट वन में से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन प्लांट सेल ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट सेल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपको एक एसे लिखना है। तो इस तरह से चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए यूनिट वन के लिए। यूनिट सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट आर एटीपीएस ट्रांसपोर्टर्स, एटीपीएस ट्रांसपोर्टर्स क्या है। क्वेश्चन सेकेंड है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वैक्यूल। क्वेश्चन थर्ड शॉर्ट नोट्स है जिसमें चार टॉपिक्स दिए हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स स्प्लाइसिंग आरएफएलपी एंड देयर यूज इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में यूज लिखना है आपने, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। फिर क्वेश्चन थर्ड में चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने दे दिए शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, ये मुझे चारों इंपॉर्टेंट लगे। फ्रिक्वेंटली न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है एंड डीएनए डैमेज एंड रिपेयर इसको पूछा जाता रहा है। एंड क्वेश्चन फोर्थ है मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट थर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है गिव द डिटेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे इस बार के लिए। फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है साइटोस्केलेटन के बारे में, ठीक है, या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में माइक्रोफिलामेंट पूछ लिया जाता है, तो ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार मुझे माइक्रोट्यूब्यूल्स का इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द प्रोटीन टारगेटिंग इन गॉल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गॉल्जी एपरेटस में प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना है, बताना है इसके बारे में। एंड इस तरह से भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, हाउ आर द प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोसोल टू द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स, डिस्कस इन ब्रीफ। तो यहाँ पर साइटोसोल से अलग अलग सेल ऑर्गेनिज्म मींस ईआर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, गॉल्जी एपरेटस में, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन किस तरह से ट्रांसपोर्टेड होते हैं उसको आपने बताना है। तो जब आप अलग अलग सेल ऑर्गेनिज्म का बताएंगे तो यहाँ पर आप ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है, गॉल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया में जब पूछा गया तो थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि दो ही सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है प्रोटीन टारगेटिंग, और यहाँ पर आपसे डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा गया है, तो इसलिए आप ब्रीफली डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट थर्ड से गिव एन अकाउंट ऑफ मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइबोसोम्स, इस बार के लिए मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ है शॉर्ट नोट्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स,
यूकैरियोटिक प्रोटीन ट्रांसलेशन एंड फ्लैजिलर एंड अदर मूवमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट तीन टॉपिक्स लगे हैं यूनिट थर्ड के लिए। नाउ यूनिट फोर्थ, लास्ट यूनिट के लिए क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, गिव डिटेल अकाउंट अबाउट E2F और PRB कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन सेकंड है, डिस्क्राइब अबाउट प्रोग्राम सेल डेथ। इसको यूनिवर्सिटी अक्सर पूछ लेती है और पूछती रहती है, एपोप्टोसिस करके आ जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ के बारे में आ जाता है, तो इस टॉपिक में से आपका जरूर से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन थर्ड में शॉर्ट नोट है, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, साइक्लिंस एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड गॉल्जी एपरेटस। ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे। एंड क्वेश्चन फोर्थ है आपका, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस क्वेश्चन को बच्चों ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस इन ब्रीफ। ठीक है, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MSc प्रीवियस बॉटनी पेपर वन, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे। ठीक है, छोटे अच्छे क्वेश्चन हमारे हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर मैंने आपको लिख कर दिए हैं, तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि हमें शॉर्ट आंसर टाइप्स के क्वेश्चन में किस तरह से लिखना होता है। ठीक है, साथ ही जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं आप उनके आंसर लिखिए। कहीं पर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज करिए। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता चल रहा, नहीं समझ में आ रहा हमें लिखना कैसे, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके साथ में आंसर शेयर कर दूंगी। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। सभी पेपर्स के लिए मैं वन बाय वन वीडियोज़ को अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।